उनसे बात करो तो अपने पापा जी की सीट समझ के आपसे जाहिल पर नहीं पे उतर जाएंगे, आप क्या ही कर सकते हैं भाई। मैं आपसे मार करने थोड़ी आया हूँ यार। जाएगा कैसे वो ले लगे इधर बढ़ाते हैं, इधर झंझना जाता है सीना झंझना। ये नींबू वाला तो बढ़िया, तो दो बढ़िया तनी एकदम झलदार, एकदम मजा आ जाए पी के, दिमाग झंझना जाए पी के। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का अपना जर्नी 13230 राजेंद्र नगर टर्मिनल गोडा एक्सप्रेस में होने वाली है, जो कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन शुक्रवार को राजेंद्र नगर टर्मिनल से गोडा के लिए चलती है। आज का अपना जर्नी जो है जनरल में होने वाला है, और अभी अपनी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके लग चुकी है, और अपना जो जर्नी है एंड टू एंड होने वाला है। सो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें WFP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है गोमो का WFP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। सीट मिलना तो मुश्किल लग रहा है ना। ऊपर हूँ सब लोग सुतल हैं का, उनको तो उठाना ही पड़ेगा है ना। आपको तो पता ही है कि जनरल में सीट मिलना कितना मुश्किल है। बाकी चलिए इसी तरह खड़ा खड़ा ही चलेंगे। आपको बता दूं कि ये जो ट्रेन है रात को 10:15 पे निकलती है, और अगले दिन सुबह 6:20 पे गोडा को पहुंचाती है। राजेंद्र नगर टर्मिनल से गोडा के बीच में इस ट्रेन का टोटल 13 स्टॉपेज होने वाला है। पहला बख्तियारपुर जंक्शन, दूसरा हाथीदह, तीसरा कीउट, और इस तरीके से टोटल 13 स्टॉपेज होने वाले हैं। बाकी जो भी रात में मैं स्टॉपेज आएगा उसे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो भाई बिल्कुल ऑन टाइम अपना जो है राजेंद्र नगर टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर हो चुका है। पहली स्टॉपेज बख्तियारपुर जंक्शन पहुंची है। यहाँ पे इसका पहुंचने का टाइम जो है 10:55 में था, बट 7 मिनट की देरी से पहुंची है, और यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस ट्रेन का जो है कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं बोर्ड करने वाले हैं।
तो भैया अभी अपनी ट्रेन इसकी दूसरी स्टॉपेज हाथीदार जंक्शन पहुंची है। वैसे यहाँ पे इसकी पहुंचने का जो टाइमिंग है 11:38 पे ही है, बट 13 मिनट की देरी से 11:51 पे पहुंची है। यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। वैसे कभी कभार नया ट्रेन जर्नी में पूरा मूड ऑफ हो जाता है। आप लोग पता है कि नीचे वाली सीट पे जो है कम से कम 5 से 6 लोग बैठते हैं, बट उसके ऊपर में लगेज का जो स्पेस होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 लोग बैठे हुए थे। और उनसे बात करो तो अपने पापा जी की सीट समझ के आपसे जाहिल पर नहीं पे उतर जाएंगे। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, मैं आपसे मार करने थोड़ी आया हूँ यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो और बैठने दो। खैर क्या ही कर सकते हैं ऐसे लोगों का, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, अकल दे, ताकि उनमें थोड़ा सा कॉमन सेंस आए और आगे से वे लोग ऐसा ना करें। बाकी चलिए यहाँ से जब ट्रेन निकलती है तो आपको डिपार्चर दिखाते हैं और अंदर चल के अब बैठेंगे यार, देखेंगे, ट्राई करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग डिबोर्ड किए हैं, अगर सीट मिल जाए तो ठीक है, बाकी गेट पे रहना मुझे काफ़ी रात में डेंजरस लगता है, इसलिए चलिए अब इसका डिपार्चर दिखाते हैं। तो सिर्फ 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद हम लोग हाथीदार जंक्शन से निकल चुके हैं। और आप लोगों को बता दें कि ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास इसका जो है किउल जंक्शन पे अराइवल होने वाला है। तो अगर मैं वहाँ पे अगर आप लोगों को दिखा पाऊँगा तो दिखाऊँगा, अदरवाइज आपसे डायरेक्ट भागलपुर में ही मिलूँगा। चलिए भैया 250 ग्राम है बाबू, एक एक पौवे खिलाए बाबू, खाके बताइए भैया खा। तो भाई फिलहाल अपनी ट्रेन जो है किउल जंक्शन पहुंचे और यहाँ पे अपनी ट्रेन ऑलमोस्ट 30 मिनट बिफोर पहुंची है। यहाँ पे इसका टाइम 12:55 में पहुंचने का था, बट फिलहाल हम लोग 12:25 पे ही किउल जंक्शन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बोर्ड किए हैं, एक भैया किसी तरह ऊपर में सीट लेकर बैठ गए हैं और अपनी ट्रेन क्यूल से निकल चुकी है, आने जाने में बन नहीं रहा है, इतना ज़्यादा लोग कंजेस्टेड भरे पड़े हैं, इसलिए मैं आपको डिपार्चर भी नहीं दिखा पाया और बाहर भी नहीं दिखा पाया आप लोगों को प्लेटफॉर्म वगैरह। बाकी चलिए अब आपसे डायरेक्ट भागलपुर में मिलते हैं। ये लीजिए, कौन सी मिल लीजिएगा, जाएगा कैसे वो ले लगे इधर बढ़ा देगा, इधर से ले लगे खाली कर ले पहले पादम चढ़ते रहिए। चलो भाई चलो चलो चलो, अरे पूरा ट्रेन खाली हो गया है भैया आराम से। अरे 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 भैया पूरा कॉमेडी कर दिए हो यार, आराम से पूरी खाली है भाई। तो भैया फिलहाल भागलपुर जंक्शन आ चुके हैं, यहाँ बिल्कुल ऑन टाइम अपनी गाड़ी पहुँची है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं डिबोट किए हैं, कुछ कुछ लोग बोर्ड भी किए हैं। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट बाद तुरंत डिपार्चर होने वाला है, तो जब ये ट्रेन निकलती है तो दिखाते हैं। वैसे अपनी ट्रेन जो है बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है और भीड़ भाड़ तो अब बिल्कुल नॉर्मल ही हो गया है, आराम से अब जाएंगे। तो चलिए अभी आपको इसके वॉशरूम का कंडीशन भी दिखा देते हैं। सामने में देख लीजिए मिरर लगा हुआ है, मैं फर्स्ट टाइम इस टाइप का जो है मिरर देख रहा हूँ, वो भी जनरल में। और बाकी बिल्कुल क्लीन है मिरर, ये सबसे अच्छी बात है। इधर पानी वगैरह प्रॉपर आ रहा है और देखो साफ सफाई। ये मैं कवर कर रहा हूँ भागलपुर जंक्शन के बाद सुबह में, रात को ट्रेन रन की है उसके बाद मैं कवर कर रहा हूँ। ये देख लो नीचे भी साफ सुथरी है अच्छी खासी, फ्लश काम नहीं कर रहा है भाई। और इधर
देख लो एक मक्का वगैरह दिया गया है। तो वॉशरूम का कंडीशन जनरल के हिसाब से ओके ओके सा है, अच्छा है, आप यूज कर सकते हो। अभी अपनी ट्रेन मंदार हिल पहुंचे हैं, यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। बात कर लेते हैं इसके टाइम और डिस्टेंस के बारे में। तो ये ट्रेन जो है राजेंद्र नगर टर्मिनल से घोड़ा के बीच में टोटल 357 किलोमीटर कवर करती है, जिसके लिए टाइम लेती है ऑलमोस्ट 8 घंटे, 7 घंटा 55 मिनट टाइम लेती है भाई, मात्र 350 किलोमीटर कवर करने के लिए। आराम से 5 से 6 घंटे में कवर कर सकती थी, बट क्या ही कर सकते हो। हर हिल के बाद इसका एक स्टॉपेज हंसडीहा और एक प्रिया हाट है, उसके बाद फाइनल अपना स्टॉपेज आ जाएगा गोडा। चलिए आप लोग हंसडीहा में मिलते हैं, वहीं पे कुछ कुछ बातें करेंगे, इसके कोच कॉम्पोजिशन और फेयर के बारे में जानेंगे। हंसडीहा में तो ये ट्रेन बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली ही हो चुकी है, देख लो। गोडा के बीच एकमात्र स्टॉपेज आने वाला प्रिया हाट। बात कर लेते हैं कोच कॉम्पोजिशन और फेयर की। तो इसमें जनरल के 3 कोचेज है, स्लीपर के 6, थर्ड एसी के 6, थर्ड एसी इकोनॉमी का 1, सेकेंड एसी का 2 और फर्स्ट एसी का 1 कोच है। बात कर लेते हैं फेयर की। तो राजेंद्र नगर टर्मिनल से गोडा के बीच के फेयर की बात कर रहा हूँ। तो जनरल के लिए आपको 115 रुपये पे करना होगा, स्लीपर के लिए 220 और थर्ड एसी के लिए 585, थर्ड एसी इकोनॉमी के लिए 540, सेकेंड एसी के लिए 835 और फर्स्ट एसी के लिए 1375 रुपये। तो अपनी ट्रेन का हंसडीहा में 25 मिनट का स्टॉपेज है, और बाहर में ठंड लग रहा था तो अंदर आके बैठ गए हैं, और यहाँ पे मनोज के साथ पूरी सॉन्ग एंजॉय हो रहा है। भोजपुरी सॉन्ग में जो मजा है ना भाई, वो हिंदी सुन के कभी वो तो बात सही बोले नहीं, फील है वाइब पूरा, एकदम धड़कन तेज हो जाता है, झंझना जाता है सीना, झंझना। नींबू वाला तो बढ़िया, तो दो बढ़िया तनी एकदम झलदार, एकदम मजा आ जाए पी के, दिमाग झंझना जाए पी के, ताकि जब भी आए हंसडीहा तो तनी एक आध कप चाय पी ली आपसे। इतना सुबह सुबह एक और लगाइए पियो, सही है मस्त है, एक नंबर मजा आ गया, सुबह सुबह इतना बढ़िया चाय पी के। हमारा यही गाड़ी डिप्टी है, एक राजेंद्र नगर और एक लोकल से जाते हैं गोड्डा, गोड्डा साथ घर यही है हमारे। अच्छा, यहाँ के लोकल हैं आप? हाँ, घर यही है हमारा, स्टेशन है बगल में। कैसा आ रहा है भाई? चाय की टेस्ट की बात की जाए ना, जो लाल चाय है, इलायची अदरक और नमक का जो टेस्ट है, फ्लेवर अच्छा खिल रहा है, पीने भी बढ़िया है। अगर वेदर सुबह का जो वेदर ठंड का है, पी के तो भाई मजा ही आ जाएगा आप लोग को। वैसे तो दूध वाला चाय भी चलता, लेकिन थोड़ा सा पेट क्लियर हो जाए इसलिए लाल चाय नींबू चाय पिया जा रहा है कि नहीं? हाँ, आराम से। अभी लोको रिवर्सल होने वाला है, देख लो, अभी अपनी लोकोमोटिव इधर से जा चुकी है, अब हम लोग का कोच जो है सबसे पीछे हो गया। भाई वैसे तो इसका यहाँ से निकलने का टाइम 5:15 पे ही था, लेकिन अभी टाइम 5:55 हो गया, ऑलमोस्ट 6 बजने वाला है, और अभी हम लोग हंसडीहा से डिपार्ट कर रहे हैं। खैर एक ही स्टॉपेज है, आई होप कि ये टाइम पे पहुंचा ही देगी। 6:20 में इसका टाइमिंग है गोडा में। चलो डायरेक्ट आपसे गोडा में मिलते हैं। व्यू है भाई, है ना, इधर का जो व्यू होता है ना भाई, एकदम घाट सेक्शन वाला फील देता है, और खास करके बरसात में, है कि नहीं मनोज? पूरा वाइब ही अलग होता है भाई, मजा आ जाता है। लेकिन झारखंड में जब जब आता हूँ तब तब
ठंड है भाई। चलो पहले आठ में अपना जो ट्रेन रुकी थी ये देखो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है ना, कुछ बड़ा रेलवे स्टेशन है नहीं। हम लोग का कोच पीछे है तो हम लोग के प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला है, अभी जाके प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है। पुरैया हाट है यार, और ट्रेन का कंडीशन देख लो, पूरा घोड़ा पहुंचने से पहले पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, ऑलमोस्ट खाली है, गिने चुने लोग हैं। गोड्डा में आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम गोड्डा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे अपनी ट्रेन मात्र 3 मिनट की देरी से पहुंची है, इसका यहाँ पे पहुंचने का टाइम 6:20 का था, 6:23 में हम लोग पहुंचे हैं। और एक चीज कि जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इसमें इंड तक अभी तक मतलब गोड्डा तक कोई भी टीटी सर एक बार भी किसी भी कोच में टिकट चेक करने नहीं आए हैं। तो आप लोग देखना टिकट लेना है कि नहीं, फिर टिकट लेके भी क्या फायदा है भाई, जब टिकट कोई चेक ही करने ना आए। पूरा जनरल है, हाँ जनरल का टिकट ले लो, एसी में चढ़ जाओ, जिसमें चढ़ना चढ़ जाओ, कोई टिकट चेक करने वाला भी नहीं है। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।